नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम अपडेट में। एक बार फिर से सरकारी नौकरी की बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उन भाइयों के लिए जो केवल और केवल 10वीं पास है और वो बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार सरकार ने निकाल दी है सीधी भर्ती। संपूर्ण जानकारी दूंगा, पुरुष महिला सभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या जानकारी है सारी जानकारी देंगे, ना परीक्षा होगा ना इंटरव्यू होगा दोस्तों, आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। इस विभाग का क्या नाम है और सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। साथ में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि आप किस राज्य से हैं और कौन सी सरकारी नौकरी की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों हम आपको विभागीय विज्ञापन ले चलते हैं और दोस्तों दिखाते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, इस विभाग में आपको क्या करना होता है, सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो है ऋण देती है, पैसे देती है, उसको वसूली करना है। जी हां, राजस्व एकत्र करना है, यह विभाग की नौकरी है। अब हम आपको दिखा देना चाहते हैं कैसे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना है। तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 12वीं पास चाहिए, जो कि आपको सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन में दिया गया। कुल पद जो है 243 पद है और रिकवरी एजेंट का नाम दिया गया इस पोस्ट को। नौकरी का स्थान जो है वो बिहार है, तो बिहार राज्य के जो भी लोग है वही फॉर्म भरेंगे। 18/12/2019 को यह फॉर्म प्रकाशित की गई थी, 20/1/2020 तक आप लोगों की लास्ट डेट है। दोस्तों न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और दोस्तों आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट आप पढ़ लेंगे। साथ में जो प्रक्रिया है वो पहले आए पहले पाए। जी हाँ, आप जो सबसे पहला फॉर्म भरेगा वही सबसे पहले नौकरी पाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए आप दोस्तों देख सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी प्रकार की फॉर्म फीस नहीं लगेगा, तो आप जो है यहां पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप दोस्तों आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर देखें, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विभाग का ऑफिशियल PDF वो खुल जाएगा। तो दोस्तों मेरा डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, आप लोगों के सामने मेरा पेज जो है वो खुल चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार स्टेट मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। जी हां, आप देख सकते हैं वसूली अभिकर्ता की आवश्यकता और ये एक सरकारी नौकरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके लिए आपको आयु सीमा 18 वर्ष मांगी गई है, मैट्रिक मांगी जाइए और बिहार राज्य के मूल निवासी आप लोग होने चाहिए। अगर आप लोग जो है इसके लिए आपको हम जानकारी दे देना चाहते हैं आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो आप लोगों को खुद जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसके लिए आवेदन पत्र जो कि आपको बोलते हैं उसको आपका पूरा का पूरा बायोडाटा होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार एवं प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास 10वीं रिजल्ट चाहिए आपको और प्रमाण पत्र जो कि दोस्तों आपका जो डेट सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, और आप लोगों को कहां पहुंचना है, स्टेट मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के भवन में मेमोरियल भवन जो है 20/1/2020 को यह जमा करना है। हाथों हाथ भी आप वहां पर जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से इस पोस्ट पर आप आवेदन करना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं और ये जो है आपको दिखा दिया गया क्या क्या जमा करना है। साथ में आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट जो है BMS पर आप देख सकते हैं BSMFG, यहां पर आप जाकर सारा का सारा PDF भी आप पढ़ सकते हैं, विभाग जो निकाला है PDF। साथ में आपको दिखा देना चाहता हूं अलग अलग बिहार के जो जिले हैं उसके अनुसार यहां पर विभाग का जो है आप लोगों को पोस्ट निकाली गई है, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय और यहां पर जितने भी बिहार के जो जिले हैं उन सभी के लिए यहां पर वैकेंसी जो है वो पास किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, बिहार राज्य के लोग जो भी है वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चाहते, काफी बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप लोग चाहें तो जो लोग सबसे पहले फॉर्म भरेगा तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का अगर अच्छा नंबर भी आया है, अगर आपके पास 80 से ऊपर परसेंटेज नंबर है 10वीं में, तो आप जरूर से जरूर आवेदन करिएगा। इसके लिए आप इसमें नौकरी पा सकते हैं और 20 से 25 हजार रुपए तक वेतन उठा सकते हैं। तो आपका दिन सुबह, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद आपका।